एक लंबा सो चुका है मेरे घर, जबकि मेरा घर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट पर बात की थी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर, उसको भी 2 साल 1 महीना हो चुका है। मैंने उसकी स्टोरी पर रिप्लाई किया था, लिखा था आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, और रिप्लाई में उसने दिल के मोजीज भेजे थे। और फिर अगले दिन से उसकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी, फ़ोन नंबर बंद था, घर पर कोई नहीं था। उसके सारे फ्रेंड्स को पूछ लिया पर किसी को कुछ पता नहीं था। पता नहीं अब तक क्या बात हुई थी, ये बात तो सिर्फ बात करने की है, मिले तो खैर अरसा हो चुका है। मुझे इश्क है उसकी बातों से, उसकी आंखों से, उसकी मुस्कान से, उसकी सांसों की महक से। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, पर हाँ अब रोता नहीं उसकी याद में, सोता भी नहीं उसकी याद में। कई बार शुरू में ज़्यादा याद करता था, अब उतना नहीं करता शायद। पहले लगा अब ज़्यादा था, अब उतना नहीं लगता। अब संभाल लेता हूँ खुद को, दिल बहला लेता हूँ। फ़ोन में रिकॉर्ड की थी उसकी आवाज़ मैंने एक बार, उसने कहा था डिलीट कर देना, पर मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे फ़ोन में कैमरा नहीं था, मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। जब ज़्यादा सेंटी होता तो उसे सुन लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पर मेरे साथ होती नहीं है। अब उसकी आवाज़ से उससे भी ज़्यादा दिल लगा रखा है, उसको कई बार कॉपी करके कई फोल्डर्स में सेव कर रखा है कि कहीं गलती से डिलीट ना हो जाए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसका कुछ पता नहीं। एक बात और बताता हूँ जो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक्साइटेड होती थी बहुत ज़्यादा जब उसे कुछ बताना होता था, वो बात नहीं करती थी जब कुछ जताना होता था, बाकी बैठती थी मेरे साथ फुर्सत से घंटों तक, बड़ी मासूमियत से पूरी दिन की बातें बताती, घर जाने से पहले सीने से लगाती थी, मुझे रोज़ ज़िंदगी जीने के पहलू बताती थी, और छोटी छोटी खुशियाँ मनाती थी, कोई भी राज नहीं छुपाती थी, जो दिल में है वही सामने जताती थी, इसलिए घर जाने के बाद ही मुझे उसकी याद बहुत सताती थी। वो एक बार घर आई थी मेरे, हमें एक प्रोजेक्ट करना था साथ में, उसी ने हेल्प करी थी मेरी प्रोजेक्ट में, ये कह लो कि उसी ने कम्प्लीट किया था। उसे घर आए इतनी देर हो चुकी थी, पर मैंने उसको अभी तक कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ ऑफर नहीं किया था, मुझे याद ही नहीं, मुझे देख के भूल चुका था। और फिर मैंने पूछा, हे चाय लोगी या कॉफ़ी, एंड सॉरी यार मैं भूल गया था, और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। तो वो कहती है कि अगर सॉरी और थैंक्स बोलना पड़े तो मुझे भूल जाना, ये सब फॉर्मेलिटीज़ गैरों के लिए बचाना, अपना कहता है तू मुझको तो बेझिझक मुझ पर हक जताना, तेरा मेरा रिश्ता कितना खास है पूरे ज़माने को बताना, ऐसे ना जाने कितने एहसान किए उसने बिना शिकायत करे। कई बार उसने मेरे लिए नोट्स बनाए, कई चैप्टर उसने खुद बैठ कर मेरे साथ पूरे याद करवाए, मेरा असाइनमेंट उसने पूरा किया, सेंटर में पूरा आंसर पेपर बताया, आज उसकी याद मेरा दिल भराया है। जिस इंसान से इतना लगाव और वो बिन बताए चला जाए तो दर्द भी होता है, दिल परेशान भी कि वो ठीक है नहीं, क्या हुआ उसके साथ। एक बार फ़ोन या मैसेज करके बता नहीं सकती थी बात, पर मेरा दिल उसका कभी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो उसे खुद से भी ज़्यादा जानता है। जब तक सांसें बाकी उसकी यादें बाकी तब तक इंतज़ार करूँगा, मुझे बस यही आता है, जिंदा हूँ उसके बगैर पर हाँ उसे याद हर रोज़ हर सांस में करूँगा, ये मेरा खुद से वादा है। उसी ने कहा था ज़माने भर को बताना, उसी ने कहा था ज़माने भर को बताना, शुरुआत हो चुकी है, कोई ये खत उस तक पहुँचाना, कोई ये खत उस तक पहुँचाना।